किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारी YouTube चैनल डी एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जनवरी व फरवरी महीने में लहसुन का क्या भाव रहेगा, लहसुन में कितनी तेज़ी बन सकती है। किसान भाइयों, अभी लहसुन के भाव में जो मंदी देखने को मिल रही है, किन कारणों से लहसुन के भाव में मंदी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में लहसुन का भविष्य क्या रहेगा, क्या लहसुन के भाव में तेज़ी बन सकती है या नहीं। इस वीडियो में हम आंकड़ों के अनुसार लहसुन के भाव के बारे में बात करेंगे, आने वाले समय में लहसुन का भविष्य क्या रह सकता है। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के भाव को लेकर। जनवरी व फरवरी महीने में लहसुन का क्या भाव रह सकता है, किसानों को लहसुन में कितनी तेज़ी मिल सकती है। किसान भाइयों, काफ़ी समय से लहसुन के भाव में मंदी देखने को मिली है और किसानों को भी लहसुन का सही भाव नहीं मिला है। कुछ किसान भाइयों ने लहसुन को अभी भी रोक रखा है। उन किसान भाइयों का मानना है कि लहसुन के भाव में, यानी कि आने वाले समय में लहसुन के भाव में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, लहसुन भी अब धीरे धीरे खराब होने लगा है, सेंड मारा है, बदबू मारा है। वह किसान भाई अब लहसुन को ज़्यादा दिन तक रोक भी नहीं सकते। किसान भाइयों, आप अपने लहसुन को आवश्यकता अनुसार बेच सकते हो। किसान भाइयों, जनवरी व फरवरी महीने में लहसुन के भाव की बात करें तो किसान भाइयों, अभी जनवरी महीने यानी कि 20 तारीख के बाद मंडियों में नया लहसुन आ सकता है। किसान भाइयों, अगर मंडियों में नया लहसुन आता है तो पुराने लहसुन की मांग घट सकती है, जिससे पुराने लहसुन में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर मंडियों में नया लहसुन आता है तो पुराने लहसुन की मांग घट सकती है। इसके चलते लहसुन के भाव में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी मंडियों में लहसुन की आवक ज़्यादा होने के कारण लहसुन की अच्छी खासी डिमांड निकलकर सामने नहीं आ रही है, जिससे लहसुन के भाव में दिन प्रतिदिन मंदी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आंकड़ों के अनुसार लहसुन के भाव की बात करें तो किसान भाइयों, अगर मंडियों में लहसुन की आवक कम होती है और लहसुन की अगर अच्छी खासी डिमांड निकलकर सामने आती है, तो लहसुन के भाव में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मंडियों में लहसुन की आवक ऐसे तेज़ी होती रही और अगर लहसुन की अच्छी खासी डिमांड निकलकर सामने नहीं आती है, तो लहसुन के भाव में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आंकड़ों के अनुसार लहसुन का भाव, यानी कि आंकड़ों के अनुसार लहसुन के भाव में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में लहसुन के भाव में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, आप अपने माल को खरीदने व बेचने का निर्णय अपने स्वयं के मार्ग से लें। किसान भाइयों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें।